नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे, मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके। भूकंप के केंद्र रुद्रप्रयाग भेजी गई एनडीआरएफ की टीमें। प्रधानमंत्री ने लिया हालात का जायजा, गृहमंत्री ने मांगी रिपोर्ट। चल सकता है शशिकला का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते में सुनाएगा फैसला। नागालैंड में महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर गतिरोध बरकरार। आदिवासी संगठनों ने ठुकराया सरकार से बातचीत का न्योता। कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। सहारा समूह को झटका। पुणे में 39,000 करोड़ रुपए की एमबी वैली संपत्ति जब्त करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। दूसरी संपत्तियों की मांगी सूची। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। एनसीआर राज्य को 2 हफ्ते में योजना बनाने का निर्देश। वायु प्रदूषण की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सोमवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग के मुताबिक रात करीब 10:30 बजे 5.8 तीव्रता के आए इस भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमीन के 33 किलोमीटर नीचे था। राहत की बात यह है कि अभी इससे जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी मिलते ही स्थिति का जायजा लिया। गृह मंत्रालय ने भूकंप के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। एनडीआरएफ के डीजी आर के पचनंदा के मुताबिक 2 टीमों को राहत और बचाव के काम के लिए गाजियाबाद से रुद्रप्रयाग रवाना किया गया है। इससे पहले उत्तरकाशी जिले में 23 जनवरी को 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जबकि पिछले 2 महीने में पूर्वोत्तर भारत में 3 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, लेकिन इनमें जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कल राज्यसभा में आगे की चर्चा हुई। बीजेपी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को असफल करार दिया। विपक्ष की तरफ से 550 से ज्यादा संशोधन पेश किए गए। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर बीजेपी सांसद लाल गणेशन ने आगे की चर्चा शुरू की। इस मौके पर उन्होंने बेटी बचाओ समेत सरकार की सभी योजनाओं की तारीफ की। बेटी बढ़ाओ के लिए भी एक घोषणा देना चाहिए, हर एक घर में 1 बेटा 2 बेटी ऐसा एक घोषणा देते हैं तो बेटी का संख्या अधिक होगा। ये है मेरा वो सुझाव है, 1 बेटा 2 बेटी रक्षा करेंगे देश की माटी, ये भी वो स्लोगन हम दे सकते हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों की आलोचना की। नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए सांसदों ने कहा कि सरकार के इस फैसले से लोगों पर खासा असर पड़ा है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और किसान और मजदूर पलायन को मजबूर हो गए हैं। कोई छठ पूजा नहीं है, फिर भी बिहार और उड़ीसा और बंगाल की ट्रेनें भरी, सब मजदूर वापस जा रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों का ये चल नहीं रहा, अर्थव्यवस्था जीडीपी नीचे चली जा रही है। तो ये चीज भी देखने के लायक है कि क्या बुरे हाल हो रहे हैं लोगों के। इस नोटबंदी से सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश की सरकार को हुआ है, क्योंकि वो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है। सर, इसमें हमारे यहां किसानों की सारी फसलें उपजे सारी खराब हो चुकी हैं, उनका सामान सारा नष्ट हो चुका है। कितना काला धन वो सरकार को बताना चाहिए कि आया, कितने नकली फर्जी नोट कितने मिले और बैंक में कितना पैसा जमा हो गया। इस सारे नोटबंदी के मामले एक बड़ी आबादी है जो बहुत तकलीफ में आई। अगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इज बैक ऑन द एजेंडा इन यूपी एंड दैट एजेंडा इज एक्चुअली द एफर्ट टू ट्रांसफॉर्म द सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडियन रिपब्लिक एज एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन
into what they call their version of a theocratic, rabidly intolerant Hindu Rashtra, which is what is the RSS fascistic project. हालांकि नोटबंदी का बचाव करते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम लोगों का विकास है. हालांकि कांग्रेस ने सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया. सर, ये आज जब हम 2016 में और 2017 की शुरुआत में हम बात कर रहे हैं, तो आज केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी 9.9% हुई है. और जो नई फसल उनको उगानी थी उसके लिए उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि बीज के पैसे नहीं थे, खाद के पैसे नहीं थे. बहुत ही दयनीय स्थिति में आपने इन लोगों को डाल के दिया. किसानों के नाम पर आप कह रहे 40% किसान कल्याण उपकर में वृद्धि हुई, लेकिन किसानों के लिए बजट में सिर्फ 6.14% वृद्धि हुई. सदन में गुरुवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चर्चा शुरू की थी. पंचानन मिश्रा के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी. वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हुई. सरकार की तरफ से संस्कृति और पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने चर्चा की शुरुआत की. वहीं कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए. लोकसभा में संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस की शुरुआत की. उन्होंने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक को सरकार का बड़ा फैसला बताया और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया. एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करी, लौट कर हमारे सैनिक सुरक्षित वापस आए कि अपने देश के लिए प्राण नौछावर करने वाले सैनिकों को भी अपनी राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगने का काम आप इस विपक्ष ने किया है. लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के दावों को खारिज किया. उन्होंने आम बजट और रेल बजट को एक करने पर सवाल उठाया और रेल हादसों पर चिंता जताई. मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा को अधिक पैसा देने के सरकार के दावे को भी गलत बताया. पहले के अगर आप देखेंगे 47 डेज 42 डेज काम मिले, लेकिन आज आपको आपके जमाने में 33 डेज पर हाउस होल्ड. वो 16,000 करोड़ इसमें से लेने वाले हैं, ये 48,000 करोड़ में से इस बार जाएगा वो. टीएमसी ने नोटबंदी से लोगों को हुई परेशानी पर सवाल किया. वहीं एआईडीएमके ने सूखा पीड़ित राज्यों को तत्काल मदद देने और बीजेडी ने फसल समर्थन मूल्य के बारे में सवाल पूछा. अदर देन ड्राइविंग देम टू सुसाइड फॉर ह्यूमिलिएशन ड्यूरिंग लास्ट 30 months, सर, हाउ मेनी टाइम्स दिस गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. द सेंट्रल विजिटर ओनली ऑन 28-12-2016. The late arrival of central team causes delayed assessment of damage, and this results in sending relief very late. 150 people died as a result of demonetization. We all know who is responsible for that. Now, President's speech does not even mention a word about the sad death of these 150 people. शिवसेना ने सहकारी समितियों के हितों पर ध्यान देने की बात कही. वहीं सीपीएम ने रोजगार और कौशल विकास को लेकर सरकार की दलील पर सवाल उठाया. श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी. लोकसभा में कल भी विपक्ष ने आईयूएमएल सांसद ई अहमद की मौत का मुद्दा उठाया और इस मामले की संसदीय समिति से जांच की मांग की. केरल के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया. लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल शुरू होते ही आईयूएमएल सांसद ई अहमद की मौत का मुद्दा उठा. कांग्रेस की ओर से इस मामले में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया. इसे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नामंजूर कर दिया. अवरोध जारी रहने पर प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया. हमने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है. उनके ऑनर में एक दिन हमने सभा का काम भी स्थगित किया है. मेरा आपसे निवेदन है सभी से, इस बात पर इस तरीके से कोई भी ये पोस्टर लेकर के ये करके करना उचित नहीं है. प्लीज डोंट डू दैट. इस मुद्दे पर केरल के सांसदों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया. प्रदर्शन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए. लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि मामले की संसदीय समिति से जांच करानी चाहिए. वी आर डिमांडिंग ए पार्लियामेंट्री कमिटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इंक्वायरी, ए डिटेल इंक्वायरी शुड बी मेड एंड दोज हु आर इन फैक्ट दोज हु हैव हाइडन दिस फैक्ट
सरकार का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर इस मामले में राजनीति कर रहा है। इश्यू बनाने में ये लोग लगे हैं, स्पष्ट रूप में केवल सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ इश्यू उठा के उसको राजनीतिक रूप दे के लाभ उठाने के लिए प्रयास हो रहे हैं, मगर देशवासी समझदार लोग हैं, उनको मालूम है इसका कारण से कोई किसी के मन में कोई शंका नहीं होगी। विपक्षी दलों की मांग है कि इस प्रकरण से जुड़े सारे तथ्यों की जांच हो। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ई अहमद से परिजनों की मुलाकात नहीं होने देने को विपक्ष ने गंभीर मामला बताया है। 31 दिसंबर को राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान ई अहमद को दिल का दौरा पड़ा था। बजट पेश किए जाने के दिन 1 फरवरी को तड़के उनका निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव ने मुख्यमंत्री पद से ओ पन्नीरसेल्वम का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही शशिकला नटराजन के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि विपक्षी दलों ने इस फैसले को राज्य के जनादेश के साथ धोखा बताया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके शशिकला को शपथ लेने से रोकने की मांग की गई है। तमिलनाडु को शशिकला नटराजन के रूप में नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। तेजी से बदलते घटनाक्रम में रविवार को शशिकला को एआईडीएमके विधायक दल का नेता चुना था। इसके बाद मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल ने इसे स्वीकार कर लिया है। We are very happy. All the cadres, the women cadres are very, very happy. No different voices. Everybody stood together, and all of us want Chinnamma to become the chief minister. विपक्षी डीएमके ने एआईडीएमके के फैसले को राज्य के लिए काला अध्याय बताया है। पीएमके ने भी फैसले की आलोचना की है। शशिकला had never contested in any elections. Shashikala had never been in a party position when Jayalalitha was active. So the problem is that the people's mandate, whether it is for Shashikala or not, is a question. None of the public are accepting her. Only 200 people in the ADMK accept her. That is the MLAs and the MPs. None of the other cadres as ADMK also accept her. And it is not needed. She could be the leader of a party. कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि एआईडीएमके का फैसला राज्य को पीछे ले जाने वाला है और लोगों को सवाल उठाने का अधिकार है। तो ये बड़ा डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा संदेश नहीं है। इससे एक हमारे आगे पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को, इसका कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जयललिता से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में 1 सप्ताह में फैसला सुना देगा। इस मामले में शशिकला नटराजन भी आरोपी हैं। शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता और शशिकला को आरोप मुक्त कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब बात करते हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबरों की। उत्तर प्रदेश में सभी दलों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश ने अलग अलग रैली में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, वहीं मायावती ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कासगंज में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन रहा। उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शामली, मथुरा और अलीगढ़ में चुनावी सभाएं की। उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने पर और तेजी से काम होगा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर युवाओं, गरीबों और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। मदद किसकी होनी चाहिए? किसान की होनी चाहिए, मजदूर की होनी चाहिए, युवा की होनी चाहिए। मदद होती किसकी है? 50 परिवारों की। अखिलेश यादव ने सीतापुर और लखीमपुर में जनसभाएं की। अखिलेश ने अच्छे दिन के वादे और नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। हमें और आपको तो वो दिन याद है जब ये बीजेपी के लोग अच्छे दिनों का वादा करके चले गए थे, तो कि न जाने कितना पैसा आ जाएगा। अब तो कम से कम इनको जवाब देना चाहिए कि उनके बैंक के खजाने में कितना पैसा कालाधन और कितना पैसा भ्रष्टाचार वाला है। फर्रुखाबाद में बीएसपी प्रमुख मायावती के निशाने पर बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन भी रही। उन्होंने अखिलेश यादव पर
जनता के पैसों को प्रचार में बर्बाद करने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि बीजेपी में चुनाव के लिए सीएम चेहरा देने की हिम्मत नहीं है। 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की हिम्मत अभी तक भी नहीं जुटा पा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कासगंज में जनसभा की। उन्होंने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि कमजोर आदमी ही सहारा ढूंढता है। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, ये तो टूटी हुई जान। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर 7 दौर में मतदान होना है। पहले दौर में 11 फरवरी को 73 सीटों पर वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव ने साफ किया है कि वो पुरानी सभी बातें भूलकर अब अखिलेश यादव के साथ हैं। मुलायम सिंह ने दावा किया कि पार्टी में सभी विवाद खत्म हो गए हैं और वो उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि शिवपाल यादव अब अलग पार्टी नहीं बनाएंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर मुलायम सिंह ने कहा कि वो गठबंधन के फैसले पर पार्टी के साथ हैं। वो ठीक कर लिया, जो कर लिया तो फैसले को सामने मिलके कर लिया। अभी पार्टी का प्रचार करेंगे आप, कांग्रेस का भी करेंगे, तो गठबंधन में हो? अरे सबका करेंगे, जो गठबंधन शिवपाल यादव कैसे बनाएगा? हम सब बात नहीं होगी, पार्टी से बात नहीं होगी, अब किसी के गुस्से में क्या चाहिए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डीजीपी जावेद अहमद और एडीजी को हटाने की मांग की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू की अगुवाई में बीजेपी की 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रतिनिधिमंडल में निर्मला सीतारमन और मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल हुए। बीजेपी का आरोप है कि इन तीनों के रहते उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही पार्टी ने रामपुर, फिरोजाबाद और मेरठ के जिलाधिकारियों को भी हटाने की मांग की है। बीजेपी ने इन सभी पर सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। ये लोग अभी व्यवस्था को मिसयूज करके, दुरुपयोग करके, अधिकारियों का इस्तेमाल करके चुनाव के ऊपर मैनिपुलेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई कॉम्पिटेंट सीनियर आदमी को डायरेक्टर जनरल पुलिस का नियुक्ति करके चुनाव निष्पक्षिक और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए। मणिपुर में इरूम शर्मिला मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के खिलाफ थोबल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इरूम की पार्टी पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस ने यह जानकारी दी है। थोबल सीट इबोबी सिंह की परंपरागत सीट रही है। पिछले साल अगस्त में इरूम शर्मिला ने राज्य में लागू आफ्सपा के खिलाफ पिछले 16 साल से जारी अपनी भूख हड़ताल खत्म की थी। इसके बाद इरूम ने नई पार्टी का गठन करके चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। मणिपुर में 2 चरणों में 4 मार्च और 8 मार्च को मतदान होना है। कुछ और अहम खबरें। नागालैंड में आदिवासी संगठनों का बेमियादी आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कार्यालयों में ताला लगा दिया है। हालांकि निजी और वित्तीय संस्थान और स्कूल कॉलेज खुले हैं। राजधानी कोहिमा के कुछ इलाकों में धारा 144 लागू है। कोहिमा आने वाली सड़क भी बंद है, इसलिए यहां पेट्रोल की किल्लत हो गई है। आदिवासी संगठन शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं। विवाद सुलझाने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और आदिवासी संगठनों के बीच अलग अलग बैठकें बुलाई गई हैं, लेकिन आदिवासी संगठनों ने सरकार के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है। ये लोग टीआर जेलियांग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस में राज्य की खराब कानून व्यवस्था के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने तुकी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच से जुड़ा गुवाहाटी हाईकोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई की ओर से अब तक दर्ज एफआईआर बरकरार रहेगी। शीर्ष अदालत ने 2006 के मामले में सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर पहले ही रोक लगा दी थी।
दुखी पर आरोप है कि 2006 में लोक निर्माण विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ठेके दिलवाए थे। शत्रु संपत्ति पर पांचवी बार अध्यादेश लाने के केंद्र के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई की ओर से याचिका दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने हुसैन दलवाई को इस मसले को संसद में उठाने के लिए कहा। पीठ ने कहा कि यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है और आप सांसद हैं, लिहाजा संसद में इस मसले पर बहस करें। हालांकि पीठ ने यह जरूर कहा कि शत्रु संपत्ति पर राज्य का अधिकार होना चाहिए। याचिका में कल कहा गया था कि एक ही मसले पर बार बार अध्यादेश लाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधे तौर पर उल्लंघन है। शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा से विधेयक पारित कराने में नाकाम रहने के बाद सरकार ने 23 दिसंबर को पांचवी बार अध्यादेश जारी किया है। कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर गुड़गांव में करीब 3000 करोड़ की 400 एकड़ जमीन के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए मामले की विस्तृत जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जमीन पर 30 साल से विवाद चल रहा है, जिसे गुड़गांव नगर निगम ने कुछ लोगों के पक्ष में ट्रांसफर कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका आदेश देने वाले अधिकारी के प्रमोशन पर भी सवाल उठाए। ये 3000 करोड़ के मूल्यवान 400 एकड़ जमीन का मुद्दा है। इसका नाम ग्वाल पहाड़ी है, लेकिन ये दिल्ली ही मानिए। और सिर्फ आपके घड़ियाली आंसू या आपके ढोंग से हम ये नहीं मान लेंगे कि सरकार चौंक गई और सरकार ने चौंकने के बाद इसमें अपील की। सरकार के मुताबिक खेती के लिए रासायनिक उर्वरकों की भरपूर उपलब्धता है। रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि बीजेपी सरकार आने के बाद यूरिया के कालाबाजारी पर लगाम लगा दी गई है। पहले जो यूरिया उद्योगों के इस्तेमाल में ब्लैक किया जाता था, अब नीम कोटेड यूरिया होने की वजह से वो किसानों के इस्तेमाल में आता है। अनंत कुमार ने बताया कि लंबे अरसे बाद उर्वरकों के दाम में कमी आई है, जिससे किसानों को बेहद फायदा होगा। उन्होंने कहा कि देश भर में कहीं भी खाद और बीज की कोई कमी नहीं है। We have reduced the prices of these fertilizers first ever time after the time of Chaudhary Charan Singh ji, 1977. The DAP has come down by 190 rupees per 50 kg bag. Supreme Court se Sahara Samuh ko bada jhatka laga hai. Court ne Pune mein Samuh ki MB Valley sampatti zabt karne ka adesh diya hai. Iski kimat 39,000 crore rupaye hai. वहीं 14,000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए गैर विवादित संपत्तियों की जानकारी मांगी गई है। इस सूची 2 हफ्ते में सौंपनी है। इस बीच सहारा ने कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक 600 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। ब्याज सहित सहारा समूह पर निवेशकों का करीब 48,000 करोड़ रुपए बकाया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को 2 हफ्ते में विस्तृत योजना बनाने का निर्देश दिया है। केंद्र से कहा गया है कि वो फर्नेस ऑयल और पेट्रोलियम कोक पर 4 हफ्ते में पाबंदी लगाए। कोर्ट ने इन दोनों को एनसीआर में प्रदूषण का बड़ा जरिया माना। प्रदूषण का स्तर नापने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2.5 करोड़ के नए उपकरण खरीदेगा। इससे रियल टाइम पर प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। ये पैसा उसे पर्यावरण भरपाई शुल्क कोष से मिलेगा। एक साल में सभी सिम कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन के लिए साल भर के भीतर प्रभावी व्यवस्था बनाने को कहा है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की पीठ ने हर उपभोक्ता के मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने को कहा है। ये काम 1 साल के भीतर पूरा करना होगा। कोर्ट का कहना है कि सिम का सत्यापन बैंकिंग इस्तेमाल के लिए बहुत जरूरी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से सिम कार्ड के सत्यापन के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की जानकारी मांगी थी। इसके लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था। याचिका में मांग की गई है कि कोई भी सिम बिना सत्यापन के नहीं दिया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सिम कार्ड का दुरुपयोग रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को कहा है। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिका में एप्पल, गूगल और फेसबुक समेत 100 कंपनियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा प्रतिबंध के आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया है। कंपनियों की दलील है कि इस फैसले से उनका कारोबार प्रभावित होगा। इसके अलावा ये फैसला
अमेरिकी संविधान और आव्रजन कानून के भी खिलाफ है। कंपनियों ने फेडरल कोर्ट में दस्तावेज दाखिल करके कारोबार को नुकसान की बात कही है। दस्तावेज में यात्रा प्रतिबंध की कड़े शब्दों में निंदा की गई। कंपनियों के मुताबिक दूसरे देश से आए कारोबारियों की वजह से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था महान बन पाई। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश को रद्द किया जा चुका है, लेकिन इन अमेरिकी कंपनियों का मानना है कि ऐसा कोई भी कदम अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इंडिया ईयरबुक भारत 2017 का कल विमोचन किया। इसे प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है। नायडू ने दावा किया कि पिछली सरकारों ने एक खास तरह के साहित्य को ही बढ़ावा दिया और खासतौर पर युवा पीढ़ी को हमारे कई सारे नायकों के बारे में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। वहीं शेयर बाजार में कल लगातार चौथे दिन तेजी का रुख रहा। नीतिगत ब्याज दर में कटौती की उम्मीद में सेंसेक्स सोमवार को चार महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। बुधवार को आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा, जिसमें रेट कट की संभावना जताई जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 0.7% का इजाफा देखने को मिला। आखिर में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 199 अंक की बढ़त के साथ 28,439.28 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएससी का 50 शेयरों वाला निफ्टी 60 अंकों की बढ़त के साथ 8,801 के स्तर पर बंद हुआ। एमएनसी, एफएमसीजी और बैंक शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। और आइए अब आखिर में बात करेंगे हेडलाइंस की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके। भूकंप के केंद्र रुद्रप्रयाग भेजी गई एनडीआरएफ की टीमें। प्रधानमंत्री ने लिया हालात का जायजा। गृह मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। कल सत्ता शशिकला का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते में सुनाएगा फैसला। नागालैंड में महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर गतिरोध बरकरार। आदिवासी संगठनों ने ठुकराया सरकार से बातचीत करने को। कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। सहारा समूह को झटका। पुणे में 39,000 करोड़ रुपए की एम्बे वैली संपत्ति जब्त करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। दूसरी संपत्तियों की मांगी सूची। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। एनसीआर राज्यों को दो हफ्ते में योजना बनाने का निर्देश। वायु प्रदूषण की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।